ओके okay, तो डायलॉग स्टार्ट होता है मोस्टली सैल्यूटेशन uh, के साथ यानी सलाम दुआ के साथ सो इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल कासिम एंड अंकल कासिम और अंकल के दरमियान का जो मुकालमा है वो आज हम पढ़ेंगे कासिम कहता है अस्सलाम वालेकुम अंकल अंकल वालेकुम अस्सलाम वेयर हैव यू बीन कासिम वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कासिम तुम कहाँ थे वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम काफ़ी लंबे अरसे बाद मिले हैं कासिम आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया मैं सऊदी अरेबिया में था एंड आई हैव जस्ट कम बैक और मैं कुछ ही देर पहले वापस आया हूँ अंकल वा वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया तुम सऊदी अरेबिया क्यों गए थे कासिम यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर एंड मदर इज़ देयर टू आप जानते हैं कि मेरे अबू वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और मेरी अम्मी भी वहीं पर हैं आई वेंट टू सी देम पर्टिकुलरली मदर बिकॉज शी इज़ शी वॉज इल आई वेंट टू सी दैम मैं उनको देखने के लिए गया पर्टिकुलरली खास तौर पर मदर अपनी माँ को बिकॉज शी वॉज इसिम ओकेट का मदर वॉज इंकल आई एम सॉरी टू हियर दैट मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ हाउ इज ही नाउ अब उनकी तबीयत कैसी है कासिम जवाब देता है शी इज फाइन अंकल मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक है थैंक यू आपका शुक्रिया शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड अब वो बिल्कुल सेहत याब हो गई हैं फुली रिकवर्ड मतलब बिल्कुल ठीक हो गई हैं अंकल योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट री ओपनड री ओपन का मतलब खुलना और री ओपन जब कोई चीज़ बंद हो के दोबारा खुलती है जैसे छुट्टियाँ होती हैं और छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलता है तो उसको हम री ओपनिंग ऑफ स्कूल कहते हैं अंकल Okay, your school, I hear, has just reopened after vacation. Vacation means shooting And I don't think you have missed much. And I think I think with just a little extra effort, I think, think, I think, with just a little extra effort, you could easily make up your deficiency in your studies. आप बहुत थोड़ी सी मेहनत के साथ यू कोड ईजीली मेकअप आप अपनी वो जो कमी हुई है उसको पूरा कर सकते हैं योर डैफिशंसी डेफिशंसी मीन्स जो आपका नुकसान हुआ है या जो कमी हुई है इन योर स्टडीज़ यानी आपको सऊदी अरेबिया जाने की वजह से जो आपको छुट्टियाँ करनी पड़ी हैं वो आप थोड़ी सी मेहनत के साथ उस कमी को पूरा कर सकते हैं सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ विल कासिम कवर द डेफिशंसी इन स्टडीज़ डेफिनेटली द आंसर इज़ दैट कासिम विल कवर द डेफिशंसी इन स्टडीज़ बाय मेकिंग अ अटल एक्स्ट्रा एफर्ट Kasim, no uncle, I have certainly missed many important lessons and I know I'll have to work pretty hard. Kasim आगे से जवाब देता है नहीं चाचा जान I have certainly missed many important lessons. मैंने यकीनन बहुत अहम सबक छोड़ दिए हैं and I know और मैं जानता हूँ I'll have to work pretty hard कि मुझे बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी I'm glad मैं खुश हूँ I have already started doing so मैं खुश हूँ कि मैंने पहले ही मेहनत करना शुरू कर दी है आई हैव स्टार्टड अटेंडिंग क्लासेज रेगुलरली एंड माई ब्रदर हैज स्टार्टड हेल्पिंग मी टू कि मैंने जो क्लासेज़ हैं वो भी मैंने रेगुलरली यानी कि पाबंदी के साथ लेना शुरू कर दी हैं और मेरे भाई ने भी मेरी मदद शुरू कर दी है अंकल वेन आर वन आर योर एग्ज़ाम स्टार्टिंग कासिम कासिम आपके इम्तहान कब शुरू हो रहे हैं कासिम आगे से जवाब देता है कि माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार मेरे इम्तहान इतने दूर नहीं हैं दैट इज़ वाई आई हैव कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया यही वजह है कि मैं सऊदी अरेबिया से वापस आ गया हूँ आई नेवर वॉन्टेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स मैं अपने इम्तहाना नहीं मिस करना चाहता था अंकल हाउ अबाउट यूर कोर्स इन साइंस तो जो आपकी साइंस की का जो कोर्स है उसके बारे में क्या ख्याल है हैव यू फिनिश्ड इट क्या आपने उसको ख़त्म कर लिया है कासिम वी हैव नियरली फिनिश आवर साइंस कोर्स नियरली तकरीबन तो कासिम जवाब देता है कि वी हैव नियरली फिनिश आवर साइंस कोर्स हमने अपना साइंस का कोर्स तकीबा ख़त्म कर लिया है ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट सिर्फ थोड़े से चैप्टर रह गए हैं आई एम नॉट वरी सो मच अबाउट साइंस मुझे साइंस का इतना मसला नहीं है माई रियल वरी इज दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन इन इंग्लिश एंड मैथ्स मेरी असल मस्... जो प्रॉब्लम है मेरी असल परेशानी ये है कि मैंने इंग्लिश के और रियाजी के बहुत सारे लेसन जो हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रदर टफ एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू मुझे ये दोनों मज़मून थोड़े से मुश्किल भी लगते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं बिल्कुल इंग्लिश भी इम्पॉटेंट है और मैथ uh, की इंपॉर्टेंट है और कासिम के पास तो शायद कोई दूसरा ऑप्शन ना हो आप सब जो ये जो वीडियो देख रहे हैं आपके पास तो ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप किसी भी वजह से आप अपने स्कूल में और अपने कॉलेज में अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड कर सकें तो आपके पास सबसे बेहतरीन सोलूशन ये है कि आप इंग्लिश की इस चैनल को सब्सक्राइब करें वहाँ पर आपको आपकी सारी जो इंग्लिश के जो कोर्सेज़ हैं उनकी कीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे आप आसानी के साथ यहाँ से तैयारी कर सकते हैं तो चलें वापस लेसन में जाते हैं आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ़ एंड दे आर इंपॉर्टेंट टू बट आई एम ग्ड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने इन दोनों मजमूनों में मेरी मदद करना शुरू कर दी है माई ब्रदर इज़ अ टीचर मेरा भाई एक टीचर है यू नो एंड ही हैज़ स्टार्ट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स और उसने ये मज़मून कई सालों तक पढ़ाए हैं अंकल दैट्स गुड ये तो बहुत अच्छी बात है आई एम ग्लैड टू नो दैट यूर ब्रदर हैजार्ट इट फिट टू हेल्प यू इमिजिएटली था इट फिट टू हेल्प यू इमीजिएटली अंकल कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे भाई ने तुम्हार, तुम्हारी तुम्हारी फ़ौर मदद करने का सोचा इमिजिएटली फ़ौरन आई नो ही इज़ अ गुड टीचर मैं जानता हूँ कि वह बहुत अच्छा उस है वट डू यू प्लान टू डू आफ्टर यूर मेट्रिकुलेशन एग्जाम तो तुम्हारा अपने मेट्रिक के इम्तहान के बाद क्या इरादा है कासिम आई हैव डिसाइड टू गो इन फॉर मेडिसन इफ आई गेट अ गुड पोजिशन अगर मेरी पोजीशन अच्छी आई तो मैं मेडिसिन यानी कि जो डॉक्टर वाला शोभा है उसमें जाऊंगा इफ़ हाउ एवर आई डोंट गेट गुड मार्क्स अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते आई मे गो इन टू बिजनेस और एग्रीकल्चर तो मैं शायद बिजनेस की फील्ड्स में या एग्रीकल्चर की फील्ड्स में चला जाऊँ तो क्वेश्चन इज दैट विच प्रोफेशन इज कासिम प्लानिंग टू अडॉप्ट इन फ्यूचर आंसर इज आंसर इज वेरी सिंपल दैट ही इज़ प्लानिंग टू जॉइन मेडिसिन अंकल वट एवर यूर प्लान फोर लाइफ आर कासिम योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड कि तुम्हारा जो भी इरादा हो जो भी तुम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो बट यूर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड लेकिन तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए वी शुड नो दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो एक आलमी ज़ुबान चुकी ज़ुबान बन चुकी है एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी की जुबान भी बन चुकी है तो बच्चे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी तरह का ग्रामर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल पे रहें इस चैनल की वीडियोस देखें यहाँ पे आपको ग्रामर के स्पोकन इंग्लिश के तमाम सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे कासिम जवाब देता है कि यू आर वेरी राइट अंकल अंकल आप बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं आई विल कीप दैट इन माई माइंड ये बात मैं अपने जहन में रखूँगा माई स्कूल वैन हैज़ खाम मेरी स्कूल की बस आ गई है एंड आई मस्ट गो नाउ और अब मुझे जाना चाहिए अल्लाह हाफिज़ अंकल भी आगे से अला हाफिज़ कहते हैं एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस डायलाग ग्लॉसरी को देखते हैं डेफिशंसी uh, कमी पहले भी हमने इस वर्ड को देखा है लैकिंग समथिंग शॉर्ट कमिंग हैज़ थाट इट फिट बेहतर जाना है हैज़ थाट इट प्रॉपर गो इन फॉर किसी चीज़ को शुरू करना किसी चीज़ को सिलेक्ट करना टू चूज़ समथिंग एज वंस करियर पर्टिकुलरली स्पेशली रिकवर्ड रिकवर्ड मतलब सेहत याब हो जाना तो टू गेट बैक वंस हेल्थ एक्स्ट्रा इजाफी मोर देन और बियॉन्ड वाट इज़ यूजअल यानी कि जो आम तौर पर एक मकदार होती है उससे जो ज्यादा होता है उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं तो फिनिश फिनिश मीन्स खत्म करना सो दैट इज़ इट फॉर टुडे टूडे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्टिविटीज लाइक क्वेश्चन आंसर्स एंड देन ग्रामर एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर नंबर थ्री एंड बाय दिस वी विल गो टिल द एंड ऑफ दिस बुक so please subscribe the channel and hit the bell icon and watch uh, all the previous videos as well and stay on this channel and stay happy and stay safe goodbye